जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो फ्लोरिंग्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर इस तरह के ग्रूव होते हैं, इस तरह के ग्रूव होता है और रैंडम फ्लोरिंग होती है, ठीक है, और साथ में जाके ये बीच में भी एक ग्रूव आता है, और ये सब चीजें हम लोग कैसे बनाते हैं अगर हम बनाना चाहें तो इसके बारे में बताऊंगा ही मैं। ठीक है, तो इस तरह का फ्लोरिंग हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे अगर हम लोग को डिजाइन करना है, अगर क्लाइंट अगर बोले कि इसके अंदर अलग कलर चाहिए, इसके अंदर अलग कलर चाहिए और इसके अंदर के टाइल मेरे को अलग टाइप की चाहिए जो मैं दे रहा हूँ। जैसे सपोज अगर आप लोगों को क्लाइंट ने दिया ऐसा कुछ फोटो कि हाँ उसके जगह पे आपको लगाना है, ऐसा कुछ फोटो लगाना है उसकी जगह पे, तो मैं इसको ही सेव कर लेता हूँ एक सेव एस करके, मैं इसको सेव करूंगा एक पिक्चर के अंदर, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ ताकि ध्यान में रहे हमें टाइल। ओके, और इसको सेव कर लेता हूँ और एक मैं क्या लेता हूँ, एक थोड़ा डार्क वाला जो मुझे चाहिए, या फिर इधर पे हम लोग कलर भी ले सकते हैं, या फिर कोई कोई क्या करता है कि इधर पे टाइल भी, ये भी तो टाइल ही होती है छोटी साइज, तो उसके जगह पे एक डार्क टाइल ले लेते हैं, यानी डार्क ब्लैक टाइल में, एक मिनट इसमें चलते हैं साइड मिल जाएंगे, टेक्सचर जैसे ये क्या है कि हम लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये क्या है कि पूरा इमेज रहता है तो इसको हम एडिट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर सेम टू सेम अगर आपको रखना है कुछ हद तक, ऐसे ऐसे टाइल्स है कुछ हद तक, तो ये सब भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, अगर काफी वाइट ही रखना है तो इसको ही डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ अगर आपको चेंजेस करना है कि अलग अलग टाइल्स अलग अलग रहेगी तो फिर वो सब चीजें कैसे करेंगे मैं बताने वाला हूँ। और चलो देखते हैं, और मुझे इधर चाहिए डार्क टाइल, तो डार्क टाइल मेरे ख्याल से इसको रख सकते हैं, ये लगता ओपन हो रहा है, तो ये भी ये भी अच्छा, उसको हम लोग बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके सेव एज हो गया और इसको कर दिया सेव। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपने 3ds Max के अंदर और उसके अंदर करते हैं कुछ सेटिंग। जैसे सपोज हम लोग का होता है 6x6 का टाइल है, 6x6 या 600x600 यानी कि 2 फीट का टाइल है, और सेंटीमीटर के हिसाब से 60x60 के हिसाब, 60x60 का हिसाब रहता है। जैसे कि अगर हम लोग का अगर जो पूरा ध्यान में रखना चाहिए इसके लिए, जो भी हम लोग का फ्लोर है कितना बड़ा है और उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना होगा, तो मैं इसके जगह पे एक प्लेन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये मैं प्लेन यूज़ कर रहा हूँ 10x10 का, ठीक है, 10x10 यानी कि 300x300 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 10 फीट बाय 10 फीट का ये है। ठीक है, फिर इसके अंदर मुझे डिवाइड बाय अगर करना है, डिवाइड करना है कितना डिवाइड करना चाहिए रहते हैं, अगर मैं 60 60 का अगर कर रहा हूँ, तो फिर हम 10 से करेंगे तो क्या होगा, तो एक एक फीट का बनेगा। ठीक है, तो मुझे से 5 से करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, 5x5, ठीक है, तो ये जो इधर पे इतना बड़ा जो टाइल ये बनेगा, तो ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं हम लोग का साइज प्रॉपर है, ठीक है, 60x60 का बन रहा है, यानी कि 1 फीट बाय 1 फीट का बन रहा है, 2 फीट बाय 2 फीट, सॉरी 2 फीट बाय 2 फीट का बन रहा है। ठीक है, और फिर इसको हम लोग करते हैं मॉडिफाई, तो आप बोलोगे आप टायर मटेरियल से भी कर सकते थे, मगर टायर मटेरियल से क्या है कि उसके अंदर एक ही जैसा आ जाता है, उसमें रैंडमनेस यानी कि उसके अंदर हम लोग उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल तो इसके अंदर एक ग्रूव जैसा बनाने वाला हूँ पहले, तो एडिट पॉली में चलते हैं और सेलेक्ट करते हैं ऑल सेलेक्ट, फिर करते हैं इंस्टेंस,
रिसेट करने के बाद फिर इसके अंदर ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर आपको ज़्यादा ग्रुप चाहिए तो पॉलीगॉन, जैसे जितना मोटा चाहिए, अगर ग्रुप अगर ज़्यादा मोटा चाहिए तो उतना मोटा आप कर सकते हो जैसा चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। अगर पतला चाहिए तो पतला रख सकते हो, ठीक है। अगर मेरे को ज़्यादा बड़ा ग्रुप चाहिए, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अगर मैं अगर इस टाइप का बनाना जा रहा हूँ, इस टाइप का, तो इसके अंदर आप देख रहे हो इसके अंदर जो फ्लोरिंग में जो गैप है, इसके जो डॉलिंग है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वैसा अगर मैं बनाना चाहूँ तो, ओके। फिर ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर अभी क्या करते हैं कि अभी हम लोग को क्या करना होगा, मैंने बताया था कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो मटेरियल अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसके में मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल यूज कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, आईडी बना कर रखनी है, सिलेक्ट ऑल किया और आईडी नंबर 1 दे दिया सबको, और जो ये टाइल्स को मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसे हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, से हम लोग को मिलेगा ग्रुप, ओके। जो हम लोग ग्रुप करने वाले हैं उसके अंदर कौन सा कलर रहेगा, कौन सा टाइल रहेगा, नंबर 2, ओके, ये हो गया डन। फिर ये करने के बाद फिर इसके अंदर हम लोग करते हैं मटेरियल को अप्लाई करते हैं, मटेरियल देते हैं यहाँ से। मैं मटेरियल में जो है नहीं कि वीरे मटेरियल ही यूज करो, आप स्टैंडर्ड में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग डाउट ना हो, मैं धीरे मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और ठीक है। और क्लिक करते हैं, वीरे मटेरियल करने से क्या है कि फॉर रेंडर में थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है, और क्योंकि हम लोग वीरे रेंडर यूज कर रहे हैं इसे, और इधर पे हम लोग यूज करते हैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको देखना है, सर्च करना है कि मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल किधर है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर ये पूरी मटेरियल है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मल्टी सब ऑप्शन, ठीक है। और ओके कर, और करते हैं डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल, यानी कि मेरे को ये साथ में वीरे मटेरियल भी चाहिए तो किप कर लेना है, तो उससे क्या होगा वीरे मटेरियल का भी स्लॉट यहाँ पर आ जाएगा जो उसमें अप्लाई, ठीक है। तो नंबर 1 और नंबर 2 आईडी हो गए, कॉपी कर लेते हैं, इंस्टेंस करें तो इसमें चेंजेस करवा तो वो भी जाएगा। पहले तो एक हल्का सा कलर करता हूँ ताकि थोड़ा तो डिफ्रेंशिएट पता चले कि या फिर डिफरेंट क्या आ रहा है, ठीक है। इसको डार्क कर लिया और इसको ब्लैक कर, और इधर पे असाइन करते हैं, इधर पे क्या हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डार्क है ये वाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर तो इसको हम लोग स्वाइप कर सकते हैं, ऐसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्वाइप का ऑप्शन होता है, तो इससे ये डार्क हो गया, तो ये ठीक है। और क्या करना है अभी हम लोग को, और इसके अंदर अभी हम लोग को डालना है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल डालते हैं यहाँ पर हम लोग, मैप पिक मैप पे चलते हैं हम लोग के पास था पिक्चर के अंदर, पिक्चर्स में ऊपर स्टाइल में टाइल फोल्डर में ये वाइट वाला टाइल, इसको करते हैं साइन। साइन तो हो चुका है, तो इधर पे शो कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो तो पूरा पूरा टाइल एक ही में आ रहा है, ठीक है, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हम लोग वीडियो में मैप करेंगे उसके। और फिर चलते हैं यहाँ पर फेस के ऊपर भी हम लोग डालते हैं डार्क वाला टाइल, ये इसमें भी शो करते हैं, इसमें भी देख सकते हो कि पूरे में ये आ गया है डार्क वाला टाइल, तो इसके लिए भी यूडब्ल्यू मैप करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम लोग ओवरऑल यूडब्ल्यू मैप कर लेते हैं, यूडब्ल्यू मैप, और हम लोग को UVW मैप कितने बाई कितने का चाहिए, क्योंकि टाइल है 60x60 का, तो 60x60 का टाइल है, 60x60 का UVW मैप हो गया, ये देखिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल सब में हो गया UVW मैप, ये ऊपर वाले और ये अंदर वाले में भी हो गया है, ठीक है। फिर अभी हम लोग को क्या करना है, फिर अभी देख रहे हो कि सब में एक ही जैसा, देखो किसी में रैंडमनेस नहीं है, रैंडमनेस आपको खुद से लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो
एक और एडिट क्वालिटी ऊपर की तरफ डालते हैं, और फिर जहां जहां रैंडमनेस चाहिए रैंडम टाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर करते हैं ऊपर की तरफ BBW मैप। फिर आपको पता है 60x60 का करना है, तो फिर से 60x60 कर लेते हैं। इसके अंदर बस मैं एक चीज अलग करूंगा, उसको मैं करूंगा रोटेट। गिज़्मो को सिलेक्ट करके हमें करना है रोटेट। वो भी कितना एंगल, 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, और करते हैं 90 डिग्री रोटेट। तो ये अलग टाइप का हो गया। फिर करते हैं इसके ऊपर एक और UVW मैप डालते हैं, सॉरी एडिट क्वालिटी डालते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि